अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 13, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को देखेंगे। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि ब्रीफ मीन्स बहुत थोड़े अरसे के लिए मुख्तसर सा साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक मीन्स जिसमें आपकी हेलुसिनेशन या डिल्यूजन के सिम्टम्स आपको आते हैं, एंड देन ये बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए ये डिसऑर्डर होता है। आपको इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, और इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन में आ सकता है। बहुत शॉर्ट क्राइटेरिया है इसका, यानी जिसमें प्रेजेंस है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, और सिम्टम्स क्या है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, या ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर है। तो ये सिम्टम्स जो है ये लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं। एंड देन ड्यूरेशन इसकी है, ड्यूरेशन इसकी एटलीस्ट वन डे होनी चाहिए या फिर लेस देन वन मंथ होनी चाहिए, यानी कि बहुत थोड़ी ड्यूरेशन है इसकी, इसीलिए इसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। एंड देन ये थी जो है इसका, कि ये डिसऑर्डर जो है दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे कि मेजर डिप्रेसिव है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स वो एक्सप्लेन ना करते हैं, यानी कि उनके सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, बल्कि सिर्फ इसी के सिम्टम होने चाहिए और इसी को एक्सप्लेन करना जो है वो इसी को एक्सप्लेन करे ये डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है इसी के सिम्टम्स हो बस। स्पेसिफाई में हम देखते हैं कि इसका स्पेसिफाई भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, और एमसीक्यूज में भी आप पूछा जाता है कि मार्क्स प्रेशर जो है ये कौन सा स्पेसिफाई है, किस डिसऑर्डर का स्पेसिफाई है। और इसमें मार्क्स प्रेशर में हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो आपकी लाइफ में वो तो नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको साइकोटिक डिसऑर्डर हो रहा है उसके बाद, एंड विदाउट मार्क्स स्ट्रेसर, यानी ऐसा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ में नहीं हुआ उसके बगैर ही आपको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। पोस्टमार्टम ऑनसेट में अगर ये ऑनसेट यानी कि इसके जो शुरुआत थी ये आपकी प्रेगनेंसी के दौरान शुरू हुआ है, या फिर आपके पोस्टमार्टम यानी जो बर्थ है आफ्टर द बर्थ विद इन 4 वीक्स में वो स्टार्ट हुआ है आपको, स्पेसिफाई कैटाटोनिया के साथ है यहाँ पर ये, या स्पेसिफाई इसकी करंट सिवेरिटी, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी है सिवेरिटी इसकी रेट करते हैं हम, क्वांटिटेटिव असेसमेंट होती है इसमें, डिफरेंट जो साइकोसिस हैं, डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, इन सबको हम एक रेटिंग जो है वो एक स्केल पे मेजर करते हैं, जैसे कि रेटिंग स्केल है उसके 5 पॉइंट हैं, एंड देन 0 से लेकर 4 तक हम उसको देखते हैं कि वो प्रेजेंट है ये सिम्टम या नहीं प्रेजेंट है। एंड देन सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें हम देखते हैं जो सब्सटेंस मेडिकेशन यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो किसी मेडिकेशन की वजह से तो नहीं है, यानी कोई मेडिसिन यूज की है या कोई सब्सटेंस वगैरह या कोई ड्रग वगैरह यूज किया है जिसकी वजह से इस तरह के हलूसिनेशन या डिल्यूजन के जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका चेक कर लेते हैं। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी वही प्रेजेंस है या डिल्यूजन है या हलूसिनेशन है आपको, एंड देन देयर इज एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री, यहाँ पर एविडेंस है आपके पास कि हिस्ट्री से या फिजिकल एग्जामिनेशन से या लैब फाइंडिंग से या फिर दोनों से कि सिम्टम्स जो है क्राइटेरिया ए में वो डेवलप हुए हैं आफ्टर और सून आफ्टर दी सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जब आप सब्सटेंस जो है वो कंज्यूम करते हैं या कोई ड्रग वगैरह यूज करते हैं जिसकी वजह से उसके बाद आपको ये सिम्टम्स फौरन उसके बाद शुरू हो जाते हैं, या विदड्रॉल अगर आप उससे विदड्रॉ करते हैं, या फिर आफ्टर एक्सपोजर टू अ मेडिकेशन या कोई मेडिसिन आपने इस तरह की यूज किया जिसकी वजह से आफ्टर द मेडिसिन आपको वो सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं हेलुसिनेशन या डिल्यूजन के। तो इन्वॉल्व सब्सटेंस जो है वो मेडिकेशन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो इन्वॉल्व सब्सटेंस है यानी जो आपने सब्सटेंस लिया है हमने वो भी चेक करना है कि वो कैपेबल है कि वो इस तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, और इस तरह ये हमने वो डाउट जो है उसको खत्म करना होता है। देन सी है डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय साइकोटिक डिसऑर्डर, जो कि सब्सटेंस मेडिकेशन ड्यूस नहीं है, एंड देन सिम्टम्स प्रेसेडेड द ऑनसेट ऑफ द सब्सटेंस मेडिकेशन यूज द सिम्टम्स परसिस्ट फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े काफी जो है वो वक्त के लिए रहते हैं, जस्ट लाइक अबाउट 1 मंथ तक ये सिम्टम्स रहते हैं, और आफ्टर दी सजेशन ऑफ एक्यूट विद्रॉल और सिवियर इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जब आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं या ड्रग्स वगैरह को आप रोकते हैं या स्टॉप कर देते हैं, आप विद्रॉ करते हैं उससे, उसके बाद आपको सिम्टम्स उसके फौरन बाद आपको ये सिम्टम्स आते हैं। देन डी है डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीरियम, यानी कि आपको कन्फ्यूज मतलब स्टेट में उस तरह की जो आपकी स्टेट जो है वो आपको कॉन्शियस नहीं है आप, तो अनकॉन्शियस में आपको इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये भी हमने उसको भी जो है एक्सक्लूड कर देनी है ये चीज भी। एंड देन द डिस्टर्बेंस कॉज सिग्निफिकेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट, यानी कि आपके जो सिम्टम्स हैं ये सारे आपके इंपेयरमेंट कॉज कर रहे हैं आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में। एंड देन इसके स्पेसिफाइज देखते हैं, स्पेसिफाइज में ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन या फिर जो आपने सब्सटेंस जो है वो लिया है कंज्यूम किया है वो उसके जो है वो ऑनसेट उसके दौरान हुआ है आपको इस जो सिम्टम्स आई हैं डिल्यूजन हेलुसिनेशन की, या फिर ऑनसेट जो हुआ ड्यूरिंग विदड्रॉल यानी कि जब आपने विदड्रॉ किया उन चीजों से तो तब सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, तो ये इसको क्लियर करना है। एंड देन सिवियरिटी उसकी करंट
सिवियरिटी जो सिम्टम्स हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्लिनिशियन रेटिंग जो है वो डायमेंशन यूज करते हैं साइकोसिस सिम्टम की, एंड देन साइकोटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू दी अनदर मेडिकल कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये भी आपको जो है वो एक आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से, लाइक दूसरे जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शन है, माइग्रेन है या स्ट्रोक है, या आपको ब्रेन इंजरी हुई है या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से फिर आपको ये साइकोटिक डिसऑर्डर, ये इसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन आते हैं आपको, या फिर डिस्टर्बेंस है डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में, यानी कि जो मेडिकल कंडीशन है आपकी उसमें आपके जो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है वो उसमें डिस्टर्बेंस है, एंड डिस्टर्बेंस इज नॉट बट एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं सिम्टम्स आ रहे, उसको एक्सक्लूड कर देना है। और डिस्टर्बेंस जो है आपकी डिलीरियम के दौरान तो नहीं है, यानी आप अनकॉन्शियस हैं उसके दौरान तो नहीं आ रहे ये सिम्टम्स आपको, देन डिस्टर्बेंस जो है ये आपकी फिजिकली जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रही है, इंपेयरमेंट कॉज कर रही है। एंड देन दूसरे स्पेसिफायर्स हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाई करना कि डोमिनेंट सिम्टम्स कौन से हैं, डिल्यूजंस हैं या डिल्यूजंस के साथ हैं या फिर हेलुसिनेशंस के साथ हैं। एंड देन सिवियरिटी में वही हम इस स्केल से जो है वो एक मेजर करेंगे, उसका लेवल देखेंगे डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं। एंड देन कैटेटोनिया एसोसिएटेड विद अनदर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो कैटेटोनिया है, कैटेटोनिया क्या है, कैटेटोनिया आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो एबनॉर्मल जो मूवमेंट्स होती हैं आपकी जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे कैटेटोनिया कहते हैं, साइकोमोटर सिम्टम्स हैं शिजोफ्रेनिया के ही, एंड इसको कैटेटोनिया जो है वो शिजोफ्रेनिया के अंडर ही आता है एंड उसकी कैटेगरी में ही आता है, और ये बिहेवियर जो है आपके शो करता है कि आपकी डिस्टर्ब मेंटल स्टेट को शो करता है, एंड रिपीटेटिव इसमें पर्पजलेस या एक्टिविटी होगी, कैटेप्लेप्सी होगी एंड डिफरेंट चीजें होंगी, और इसमें इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं आगे, और इनमें से जो है वो थ्री और मोर सिम्टम्स जो है वो आपको होने चाहिए कैटेटोनिया जो है वो आइडेंटिफाई उसको डायग्नोस करने के लिए। तो इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और डेफिनेशन दी जाती हैं आपको, उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, और सुपर जो है वो क्या होता है कि आप अनरिस्पॉन्सिव है इंडिविजुअल, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट पे, कैटालेप्सी है, कैटालेप्सी में इंडिविजुअल जो है वो ट्रांस में चला जाता है एक, और वो रिजिड रहता है, बिल्कुल अपराइट रहता है पोस्चर में, वो घंटों तक एक ही पोस्चर में रहता है। एंड देन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इंडिविजुअल को आप जिस तरफ भी मोड़ें उस तरफ ही मुड़ जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट आप वो देंगे उसको वो उतना ही मूव करेगा बस। म्यूटिज्म, यानी इंडिविजुअल जो है वो स्टेट में बिल्कुल भी चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं। नेगेटिविज्म, इंडिविजुअल जो है वो हर चीज़ को नेगेट कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ का ऑपोजिट कर रहे होते हैं, जो आप उन्हें कहते हैं उसे ऑपोजिट करते हैं। पोस्चरिंग, इंडिविजुअल जो है वो एक ही पोस्चर में रहते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। मैनरिज्म में वो बिहेव करते हैं एक सर्टन मैनर में। स्टीरियोटाइप में वो एक ही बिहेवियर को वो रिपीट करते जाते हैं। एजिटेशन में वो रेस्टलेस फील करते हैं और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से कॉज नहीं होती बल्कि इंटरनल उनका कुछ स्टिमुलस होता है तो इंटरनली वो इसी तरह रेस्टलेस फील कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर में ये चीज़ शो हो रही होती है। ग्रिमसिंग में आता है कि वो इमोशनलेस स्माइल देते हैं, यानी कि इमोशंस के बगैर एक स्माइल जिसे फेक स्माइल कहते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बहुत जल्द। एंड देन इकोलैलिया है जो रेपिटेशन ऑफ अदर वर्ड्स, एंड देन इकोप्रेक्सिया है जो कि इमिटेशन ऑफ अदर्स मूवमेंट, यानी कि ये दूसरे मूवमेंट की आप दूसरे लोगों की आप इमिटेशन कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं इकोलैलिया या इकोप्रेक्सिया क्या है। और फॉलोइंग मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, डिस्टर्बेंस जो है डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, दूसरी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है इसमें या फिर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने फिर इसको रूल आउट करना है, या डिलीरियम की वजह से तो नहीं है, इंटॉक्सिकेशन या फीवर हुआ है या कोई और डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने रूल आउट करना है। और एंड देन अनस्पेसिफाइड कैटेटोनिया, यानी कि स्पेसिफाइड नहीं हुआ वो अनस्पेसिफाइड कैटेगरी में चले जाते हैं, तो इट मींस कि उसके जो सिम्टम्स हैं उस तरह से वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अनस्पेसिफाइड कैटेटोनिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इट इज डायग्नोस्ड व्हेन आइदर द नेचर ऑफ द अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर और अदर मेडिकल कंडीशन जो है वो अनक्लियर है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, ये क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं हुआ, एंड देन इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है कि हम उसको स्पेसिफाई कर सकें या स्पेसिफिक डायग्नोस कर सकें कि कैटेटोनिया है उससे। अनस्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड में भी इसी तरह ही है कि सिम्टम्स जो है आपके पूरे वो उस तरह शो नहीं हुए या जो क्राइटेरिया जो है वो आपका मैट नहीं हुआ, क्राइटेरिया जिसमें पूरे जो सिम्टम्स बताए गए हैं, जो ड्यूरेशन बताई गई है या सिवियरिटी बताई गई है डिसऑर्डर की वो उस तरह पूरी नहीं हुई, इस वजह से उसको अनस्पेसिफाइड में डाल देते हैं। देन एटियोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें हम देखते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया या अदर दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके रीजंस क्या हैं, उनके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि इसमें जीन्स में है, आपके इनहेरिटेंस में है कि कुछ बायोलॉजिकल आपकी प्री डिस्पोजिशन है शिज़ोफ्रेनिया की तरफ, तो ये डिवेल्प हो जाता है आपको डिसऑर्डर।
एंड जो अर्ली आपको स्ट्रेस फेस करना हो, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो उसकी वजह से फिर ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपके रिलेटिव्स में है शिज़ोफ्रेनिया किसी को, तो फिर भी आपका जो है वो इंक्रीज रिस्क होता है कि आप इस डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये डिसऑर्डर आपको हो सकता है। एंड देन दूसरी चीज़ें जो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट की हैं कि शिज़ोफ्रेनिया फैमिली हिस्ट्री में भी पाया जाता है, उसके नेगेटिव सिम्टम्स देखे गए हैं एंड इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो जेनेटिक एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सिम्टम्स, यानी कि जेनेटिक का जो रोल है वो पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ ज्यादा है। एंड देन कॉनकॉर्डेंस रेट देखे गए हैं जिसमें आइडेंटिकल हम ट्विंस को स्टडी करते हैं जो कि ग्रेटर था फॉर फ्रेटरनल ट्विंस एंड ट्विंस हु आर अमंग द क्लोजेस्ट ऑफ रिलेटिव्स एंड हैव इन पर्टिकुलर बीन स्टडीड बाय शिज़ोफ्रेनिया। तो इसमें देखा गया था जो जो ट्विंस हैं उनमें भी कुछ जो है वो ज़्यादा शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पाए गए हैं जो जेनेटिकली जो कि फ्रेटरनल ट्विंस से। एंड देन रिस्क फॉर अडॉप्टीज दैट हैड अ बायोलॉजिकल मदर विद शिज़ोफ्रेनिया इज हायर देन दोज, यानी कि जो बायोलॉजिकल मदर जिनकी थी जिनको शिज़ोफ्रेनिया था उनका जो रिस्क था उसका हायर था कि वो शिज़ोफ्रेनिया उनके बच्चों में भी होगा। एंड बायोलॉजिकल पेरेंट में ये ज़्यादा रिस्क होता है। अडॉप्शन स्टडीज में देखा गया जो दूसरे अडॉप्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनका रेट बहुत कम होता है और एज कम्पेयर टू द जो हमारे जो इनहेरिटेड या बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं अगर उनको सिम्टम्स ये उनको शिज़ोफ्रेनिया है तो फिर जो हमारा जो बच्चों का जो है वो उसका रेट बढ़ जाता है कि उनको भी वही सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे, उनको भी शिज़ोफ्रेनिया होगा। फैमिलियल हाई रिस्क स्टडीज फैमिलियल में वही है पीपल जो अगर नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनकी हिस्ट्री है प्रेगनेंसी की या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की या फिर लोगों की पॉजिटिव सिम्टम्स की है हिस्ट्री फैमिली इंस्टेबिलिटी की, इंस्टेबिलिटी फैमिली जो है इंस्टेबल है सच ए सेपरेशन है पेरेंट्स की, प्लेसमेंट है इन ऑर्फनेजेस, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं फैमिली जो है वो अगर हाई रिस्क की जो स्टडी है अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। एंड देन दूसरी शिज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि उसके साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल रीजंस में आप देखते हैं कि उसको जो बच्चों को या फिर जिसको भी ये डिसऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज से इंकाउंटर हुआ है, बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हुए हैं उसकी लाइफ में, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाए या दूसरी चीज़ें देखी जाएँ तो वो उसकी भी वो भी सारा इफेक्ट कर रही होती हैं सारी चीज़ें इसको। एंड शिज़ोफ्रेनिक जो है वो अगर मदर है तो वो भी अपने जो है वो जो पेरेंट्स हैं अगर आपकी शिज़ोफ्रेनिक तो वो भी शिज़ोफ्रेनिया आपकी जो ऑफस्प्रिंग है उनके उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर कम्युनिकेशन वेग है हाई कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली में, यानी कि फैमिली जो है वो उनकी कम्युनिकेशन आपस में अच्छी नहीं है और उसमें जो है वो एक बॉन्डिंग उनकी अच्छी नहीं है तो ये भी चीज़ें शिज़ोफ्रेनिया इंक्रीज कर सकती है। या फिर एक चाइल्ड जो है वो एक उनकी जो एक अपब्रिंगिंग हुई है वो एक डिस्टर्ब फैमिली इन्वायरमेंट में हुई है तो ये भी चीज़ शिज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकती है। और जो पेशेंट्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के फैमिलीज उनकी हाई एक्सप्रेस इमोशन होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है वो शो करने वाले, ये क्रिटिकल कमेंट्स देने वाले या हॉस्टिलिटी रखने वाले, ये इस तरह के जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके शिज़ोफ्रेनिया को कॉज कर सकते हैं। डेवलपमेंटल फैक्टर्स देखते हैं, दूसरे फैक्टर्स में जैसे डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें शिज़ोफ्रेनिया डेवलपमेंटल मतलब स्टेज में या चिल्ड्रन जो डेवलप करते हैं शिज़ोफ्रेनिया हैड लोअर आई क्यू, यानी कि उनका आई क्यू जो है वो कम होता है और डेलिंक्वेंट होते हैं, विड्रॉन होते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ, यानी कि वो दूसरे जो मेंबर्स हैं सोशल जो है वो उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो विड्रॉन होते हैं दूसरों से आइसोलेटेड होते हैं। और जो बॉयज हैं जो कि डेवलप करते हैं शिज़ोफ्रेनिया वो रेटेड किए गए हैं टीचर्स से एज डिसएग्रीबल वेरियस गर्ल्स वर रेटेड एज पैसिव, यानी कि जो पैसिव गर्ल्स थी जिनको भी टीचर्स पैसिव कहती थी उन्होंने भी शिज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ उनमें, और जो बॉयज थे डिसएग्रीबल यानी कि डिसएग्री करते थे हर चीज हर बात पे उनमें भी शिज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ आफ्टर दैट। एंड लो आई क्यू और कॉग्निटिव डेफिसिट जो है अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो वो भी शिज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट बनते हैं, यानी शिज़ोफ्रेनिया का कॉज कर सकते हैं इन यंग एडल्टहुड में इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी अगर कंट्रोल करिए फिर भी उस चीज़ को वो चाइल्डहुड मतलब कि आपके लो आई क्यू जो है वो या कॉग्निटिव डेफिसिट्स वो भी आपको शिज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो शिज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं और उनका आई क्यू जो है वो कम है, या बॉयज कौन से डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचर्स के अपब्रिंगिंग में, मतलब कौन से जो है वैसे बॉयज जो है वो जो एडल्ट में जाएंगे एज में जाएंगे तो उनको जो है वो शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एमसीक्यूज भी थे और क्वेश्चंस भी थे जो मैंने आपको कोशिश की है बताने की। डेवलपमेंटल फैक्टर्स ये अलग से फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चन में, और ये सारे आपके एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट भी हैं, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उसके, या फिर हो सकता है फैक्टर्स के खाली नाम पूछे जाएं या फिर किसी एक फैक्टर को पूछा जाए या ये वाले फैक्टर को एक्सप्लेन करें, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।